नमस्कार शिक्षार्थियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के अंतर्गत परास्नातक कार्यक्रम में चल रहे विषय आहार विज्ञान एवं पोषण के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वसा की। आज के इस व्याख्यान में हम वसा के संगठन एवं प्रकारों के बारे में बातचीत करेंगे। तेल और वसा ऐसे विषम समूह होते हैं जो चिकने और पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन यह कुछ कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। हमारे आहार में जो वसा होती है वह मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स और कुछ मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉल्स के रूप में होती है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के दुगने से भी अधिक होती है। साधारणतया मक्खन, घी, तेल एवं अन्य खाद्य जो प्रत्यक्ष रूप में वसा में दिखाई देते हैं उनमें वसा होती है, और हमारे आहार में वसा दृश्य तथा अदृश्य दोनों रूपों में पाई जाती है। दृश्य वसा के अंतर्गत वह वसा आती है जिसे हम आहार में प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, जैसे खाने का तेल जो वनस्पति तेल, घी, मेयोनीज, मक्खन, क्रीम, ये सब। और अदृश्य वसा वह होती है जो दिखाई नहीं देती परंतु विभिन्न खाद्यों में अभिन्न अवयव के रूप में विद्यमान होती है, जैसे मांस, दूध, मूंगफली, सोयाबीन, मेवे, तिलहन आदि। बात करेंगे वसा के संगठन की। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट में होता है। परंतु कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में इन तत्वों का अनुपात भिन्न रूप में होता है। वसा का निर्माण एक ग्लिसरॉल पदार्थ तथा एक वसीय अम्ल या जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं, इसके संयोजन से होता है। वसीय अम्ल वसा के मुख्य घटक होते हैं। इनमें कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें एक सिरे पर मिथाइल समूह और दूसरे पर एक कार्बोक्सिल समूह विद्यमान होता है। वसीय अम्लों के प्रकारों की बात करेंगे। वसीय अम्लों के प्रकार कई चीज़ों पर आधारित होते हैं। इसमें पहला है कार्बन श्रृंखला की लंबाई के आधार पर, जिसके अंतर्गत शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और मीडियम चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड या जिनको हम छोटी श्रृंखला वसीय अम्ल कहते हैं, इनकी लंबाई आमतौर पर 6 कार्बन अणुओं से कम होती है। शरीर में इनका पाचन बहुत तेज़ी से होता है और यह आंतों में सीधे रक्त परिसंचरण में अवशोषित हो सकते हैं। इसका उदाहरण है ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटायरिक अम्ल, जो दूध की वसा, घी और मक्खन में पाया जाता है। फिर है मध्यम श्रृंखला वसीय अम्ल या मीडियम चेन फैटी एसिड्स। इनमें 6 से 10 कार्बन अणु होते हैं। इनका भी शरीर में पाचन तेजी से होता है और यह आंतों में सीधे रक्त परिसंचरण में अवशोषित हो सकते हैं। इसके उदाहरण हैं कैप्रोइक, कैप्रिलिक और कैप्रिक अम्ल, जो दूध की वसा, नारियल तेल तथा ताड़ के तेल में विद्यमान होते हैं। फिर है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स या लंबी श्रृंखला वसीय अम्ल। इन वसीय अम्लों में 12 या अधिक कार्बन अणु होते हैं। इसके अंतर्गत लॉरिक, माइरिस्टिक, पामिटिक, स्टेरिक, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड होते हैं। ये वसीय अम्ल सभी वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं जिन्हें हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। और इन वसीय अम्लों में प्राणियों के ऊतकों में पाए जाने वाले वसीय अम्ल भी आते हैं, जिनमें 16 से 26 कार्बन अणु होते हैं। इनका पाचन थोड़ी देरी से होता है और ये शरीर में लिम्फैटिक सिस्टम के माध्यम से या लसिका प्रणाली के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं तथा ले जाए जाते हैं। फिर है संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण। संतृप्तता के आधार पर वसीय अम्ल संतृप्त तथा असंतृप्त टाइप के होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल या सैचुरेटेड फैटी एसिड, इन अम्लों में श्रृंखला में उपस्थित प्रत्येक कार्बन अणु में 2 हाइड्रोजन अणु तथा 2 कार्बन अणु जुड़े होते हैं। वसा में विद्यमान वसीय अम्ल उसके भौतिक, रासायनिक गुणों और जैविक महत्व को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के वसीय अम्ल जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यह सामान्य कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे पशुजन्य वसा, घी, मक्खन या वनस्पति वसा जिसको हम हाइड्रोजनेटेड फैट कहते हैं, जैसे नारियल तेल, या जो घर में इस्तेमाल करने वाला डालडा जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में वनस्पति तेल, वह होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में प्रत्येक 2 जुड़े हुए कार्बन अणुओं में 1 हाइड्रोजन अणु गायब होता है, जिस कारण 2 कार्बन अणुओं के मध्य डबल बॉन्ड की आवश्यकता होती है। ये कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, जिस कारण इन्हें तेल कहा जाता है। पौधों से प्राप्त सभी प्रकार के तेल असंतृप्त वसीय अम्ल के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे सूरजमुखी, सरसों, जैतून का तेल, चावल की भूसी का तेल, तिल, मूंगफली, ये तेल आदि। और यह 2 प्रकार के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या एकल असंतृप्त वसीय अम्ल तथा बहु असंतृप्त वसीय अम्ल।
फिर अगला वर्गीकरण है कार्बन श्रृंखला के आकार के आधार पर। कार्बन श्रृंखला का आकार उनकी संतृप्तता के आधार पर बदलता रहता है। संतृप्त और ट्रांस वसी अम्लों में सीधी कार्बन श्रृंखला होती है और असंतृप्त और सिस वसी अम्लों में कार्बन श्रृंखला मुड़ी हुई होती है। साधारण रूप से जो हमारे भोजन में वसी अम्ल विद्यमान होते हैं वह सिस रूप में होते हैं और संतृप्त वसा के लिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में ट्रांस वसी अम्लों का उत्पादन होता है। मार्जरीन वनस्पति और बेकरी वसा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों के उदाहरण हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांस वसी अम्ल होते हैं। और मानव आहार में ट्रांस वसी अम्लों के मुख्य स्रोत हैं व्यावसायिक रूप से बेक्ड किए हुए प्रोडक्ट, वनस्पति तेल में तले हुए नमकीन उत्पाद या जैसे नॉर्मली जो हम तले हुए उत्पाद खाते हैं जैसे समोसे पूड़ी नमकीन ये सब और मिठाइयाँ। ट्रांस वसी अम्ल या संतृप्त वसी अम्ल जो होते हैं वह रक्त के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं होते। फिर अगला वर्गीकरण है पोषणीय गुणवत्ता के आधार पर। इसमें आवश्यक और गैर आवश्यक वसी अम्ल होते हैं। आवश्यक वसी अम्ल वो होते हैं जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते और आहार में इनको लेना आवश्यक होता है क्योंकि यह शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं लिनोलिक और लिनोलिनिक फैटी एसिड्स। ये वसी अम्ल शरीर में लंबी श्रृंखला वसी अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे एराकिडोनिक जो फैटी एसिड है वह लिनोलिक अम्ल से संश्लेषित होता है। ये लंबी श्रृंखला वसी अम्ल इकोसानोइड से के प्रिकर्सर होते हैं जिसको हम अग्रगामी भी कहते हैं जो हार्मोन के समान यौगिक होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि रक्तचाप के नियमन मांसपेशियों के संकुचन तंत्रिका आवेगों के संचरण इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और खाद्य स्रोत में इनके मुख्य स्रोत हैं मछली के यकृत का तेल जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं सामान्य भाषा में, हरी पत्तेदार सब्जियां, समुद्री शैवाल, जौ जई मक्का कुसुम और सूरजमुखी का तेल। फिर है गैर आवश्यक वसी अम्ल। इन वसी अम्लों में वह वसी अम्ल आते हैं जो आहार में लेने आवश्यक नहीं होते और यह शरीर में आवश्यकता अनुसार संश्लेषित कर लिए जाते हैं। फिर वसा के वर्गीकरण पर आते हैं। इसमें पहला वर्गीकरण जो है वो है सिंपल लिपिड्स जिसको हम सरल लिपिड्स कहते हैं। ये वसी अम्ल एवं विभिन्न अल्कोहलों से बनते हैं। इसमें है वसा या तेल। इनमें वसी अम्ल के साथ ग्लिसरॉल होता है और साधारण कमरे पर ताप के ताप पर यदि यह ठोस अवस्था में होते हैं तो इसको वसा कहते हैं और द्रव्य अवस्था में इसको तेल कहते हैं। फिर है यौगिक लिपिड जिसको हम कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। जब वसा के साथ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं तो उसे यौगिक लिपिड्स कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं फॉस्फोलिपिड जिसमें वसी अम्लों के साथ फॉस्फोरिक अम्ल और अल्कोहल होता है, ग्लाइकोलिपिड ये ग्लूकोज युक्त होते हैं या शर्करा युक्त होते हैं इसमें वसी अम्ल के साथ शर्करा पाई जाती है, प्रोटियोलिपिड्स इसमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं। फिर है डिराइव्ड लिपिड जिसको हम व्युत्पादित लिपिड्स कहते हैं। सरल तथा यौगिक लिपिड्स के जल अपघटन यानी वाटर हाइड्रोलिसिस तथा एंजाइमों के पाचन के बाद बने पदार्थ इस समूह में आते हैं। इसमें प्रमुख है स्टीरॉल्स जो रासायनिक रूप से वसा नहीं कहलाते, इनमें वसी अम्ल और अल्कोहल होते हैं या दो प्रकार के होते हैं कोलेस्ट्रॉल। पहला है कोलेस्ट्रॉल जो पशु जगत से प्राप्त होता है। मानव शरीर में यह स्टेरॉल त्वचा के नीचे उपस्थित होता है जो धूप की क्रिया से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो यह धमनियों के अंदर की दीवार पर जम जाता है जिससे रक्तवाहिनियाँ संकुचित हो जाती हैं, रक्त का दबाव बढ़ जाता है और जिससे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह आहार में अगर बहुत अधिक मात्रा में हो तो वह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। स्टेरॉल का दूसरा प्रकार है अर्गोस्टेरॉल। यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है और यह विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में बहुत सहायक होता है। फिर अगला है ग्लिसरॉल। यह तीन कार्बन अणुओं वाला अल्कोहल होता है और यह सभी खाद्य वसाओं में पाया जाता है। फिर है वसी अम्ल या फैटी एसिड। वसी अम्ल एक समान संख्या वाली कार्बन श्रृंखला होती है। तो शिक्षार्थियों आज के इस व्याख्यान में हमने वसा के संगठन और उसके प्रकारों के बारे में जाना। धन्यवाद।